हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरोत्तम। आप देख रहे हैं टेक्निकल नरोत्तम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक छोटा सा पावरफुल एम्पलीफायर। तो फ्रेंड्स, इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है और ये कैसे बनाया गया है, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इसी तरीके का इलेक्ट्रिकल वीडियोज मिलते रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की एक एम्पलीफायर बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी 13003 की एक ट्रांजिस्टर, उसके बाद एक हीट सिंक और एक स्क्रू और एक कैपेसिटर जो कि 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराडे का, और एक रेजिस्टर जो कि 1 किलो ओम का, और एक बैटरी। यहां पर मैं 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी लिया हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस हीट सिंक पर, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होती है आप देख सकते हैं, इस ट्रांजिस्टर को हम इस हीट सिंक पर रख के स्क्रू के मदद से टाइट कर देंगे, ताकि हमारा ये जो ट्रांजिस्टर हीट होगी वो ठंडा हो सकेगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर टाइट कर दिया हूँ। और उसके बाद हम इस कैपेसिटर को लेंगे। ये जो कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हम ये जो ट्रांजिस्टर का पहले वाला लेग है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको सोल्डरिंग कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम इस रेजिस्टर को ट्रांजिस्टर की पहली वाली लेग में कनेक्ट कर देंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम एक इस तरीके की ऑडियो जैक लेंगे। अगर आपको ऑडियो जैक बनाना नहीं आता है तो आप आई बटन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑडियो जैक की दो वायर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रेड वाली वायर आप देख रहे हैं, ये हमारा नेगेटिव है, और ये जो छोटा वाला वायर आप देख रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव है। और ये जो पॉजिटिव वायर को हम कैपेसिटर की नेगेटिव में, और रेड वाली वायर को हम ट्रांजिस्टर की लास्ट वाली लेग में कनेक्ट करेंगे। तो मैं सोल्डरिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ऑडियो जैक की वायर को सोल्डरिंग कर दिया हूँ, और ये जो ऑडियो जैक की नेगेटिव वायर है, इसको मैं ट्रांजिस्टर की लास्ट वाली लेग में कनेक्ट कर दिया हूँ, और इसका जो पॉजिटिव वायर है, इसको मैं कैपेसिटर की माइनस में कनेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद मैं ये स्पीकर लिया हूँ। ये स्पीकर की जो पॉजिटिव वायर है, इसको मैं रेजिस्टर की लास्ट लेग में कनेक्ट कर दूँगा, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं सोल्डरिंग कर दिया हूँ, स्पीकर की पॉजिटिव वायर को। और उसके बाद ये जो स्पीकर की नेगेटिव वायर आप देख रहे हैं, येलो वाला नेगेटिव वायर, इसको मैं ट्रांजिस्टर की बीच वाली लेग में कनेक्ट कर दिया हूँ, इस तरीके से। और उसके बाद हम इस बैटरी लेंगे, जो कि हमारा 3.7 वोल्ट की है, और ये हमारा जो ग्रीन वायर है बैटरी की, पॉजिटिव है। और इस बैटरी की पॉजिटिव को हम स्पीकर की पॉजिटिव में ऐसे लगा देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया हूँ। और उसके बाद ये जो हमारा बैटरी की नेगेटिव वायर है, आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर की लास्ट वाली लेग में कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा एम्पलीफायर बनकर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको अभी टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इस जियोफोन को टेस्ट करने के लिए लिया हूँ। यहाँ पर आपको हेडफोन के आइकन शो कर रहा है, मैं एक सॉन्ग प्ले करके आपको सुना देता हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करके जाना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको इस तरीके से न्यू इलेक्ट्रिकल वीडियोज़ मिलते रहेगी।